हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे आप सभी लोग? आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जल्दी से इस गेम को हमने प्ले कर ली दिया है और मैं अभी अपने एक्सपी फार्म में आया था जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखना, बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। और अभी आज हम बनाने जा रहे हैं फूड फार्म और विलेजर, क्योंकि विलेजर्स हो तो ब्रीड भी कराना है, इसकी वजह से फूड फार्म। और मैंने पिछली वीडियो ऑफलाइन में जाके मैंने बहुत सारे मॉब तो ब्रीड करा, फिर उन तो मारा, फिर ब्रीड करा, फिर मारा, फिर ब्रीड करा, फिर मारा, और मारते मारते इतना सारा खाना मेरे सेट होते, कम से कम 2-3 मही सालों का तो हो ही जाए खाना ये। और हाथ में और है मेरे, और मैंने पेज के लिए अलग से एरिया बना दिया था जिससे कि पेज आराम से रहे अलग अलग। और ये तो सब घास फूस जैसे हैं लोग हैं, तो इनको तो घास चाहिए होती है, उनको घास चाहिए नहीं, तो इस वजह से लहसा नहीं है। और शीप से ज़्यादा रहती नहीं है मैंने, क्योंकि बहुत कमी तो पड़ती नहीं है। और वूल मैंने बहुत ही इकट्ठा करा है जिससे कि आराम से विलेजर्सों के लिए बेड बन पाए 20-30। तो और ये मुझे जब मैं ये माइनिंग कर रहा था, स्नो वैली चल रहा था, तो ये जब माइनिंग कर रहा था 1 ब्लॉक, तब मुझे ये चीज़ मिली थी, ये सारी चीज़ें, मतलब कि स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस जिससे तुम विलेजर्स हो तो क्योर कर पाएंगे। और ये जो है गोल्डन एप्पल, तो इनने बहुत कंजूस लो रहे ये लोग माइनक्राफ्ट वाले। एक ही गोल्डन एप्पल दिया था, एक मैंने अपनी जेब से भरा है, मतलब कि जो ये मॉब से लूट देते हैं ना गोल्डन एंटेंटेड चेस्ट प्लेट या फिर कोई भी चीज़ें, उनको स्मेल चलता रहे और फिर उनसे इंजर्ट बना के ये गोल्डन एप्पल बना लिया। और ब्रूइन स्टैंड मिला, ये ब्लेस पाउडर मिला, ये नेदर वॉट मिला, ये बोतल मिली और ये मेलन मिला। मैंने वैसे मैं ऑफलाइन में तोड़ दिए थे ये चेस्ट, मुझे याद नहीं रहा इस वजह से। थोड़े मॉब्स की और एचपी बढ़ाते हैं, फिर अपने स्थान पे जाएंगे। सबसे पहले विलेजर्स होते हैं इसकी और कर लेंगे। और मैंने 3 कर लिए हैं, एक बच्चा है जो अपनी पीठ पे बैठा हुआ है अपने पापा की, ये देखना, ये देखो ये रहा। तो इसको मैं मार देता हूँ वरना फिर से वो बना दिया। अबे अच्छा डिफेंस कर ले, तो मेरा ऐसे तो शील्ड ही टूट जाएगी। ऐसे में जाता हूँ उसको जाओ, हाँ एक तो पड़ा हिट दया। चलो हाश, अब जल्दी से स्प्लैश पोशन फेंकते हैं इनके मुंह पे। गोल्डन एप्पल भी हाथ में ही रखते हैं जिससे जल्दी जल्दी से खेला पाए। क्योर पे लग गया, अब कम से कम 5-6 मिनट में तो हो ही जाएंगे, क्योर हो जाएंगे ना, हाँ हो तो जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लग जाए। थोड़ा चिकन लेग पीस खा लेते हैं हम, क्योंकि इनने पीठ पीठ से मार से भरता बना दिया मेरा आर्मर भी। और मैंने एक एनविल भी बनाया था पिछली वीडियो में, मतलब आयरन, ये जो है ना स्नो वैली, इसमें से आयरन तो इतना ही मिल रहा था, इतना ही, मतलब कि अभी भी थोड़ा बहुत आयरन पड़ा है, 50-60 आयरन। और ये एनविल बनाया था जिससे कि मैंने अपना ये बो को पूरा मैक्स बना लिया, मतलब थोड़ी चीज़ें रह दी हैं। और ये हेलमेट देता हूँ, रेस्पिरेशन 2, प्रोटेक्शन 5 और अनब्रेकिंग 3। और ये तो प्रोटेक्शन 2 है, और इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन 5 और इसमें फायर प्रोटेक्शन 2। एक मैथ्स वाला बूट मिला था, बूट्स मिले थे लेकिन वो मॉबों ने मार मार के वो तोड़ दिया, क्योंकि तो गोल्ड का था वो, इस वजह से। अब वो विलेजर्स तो जब तक क्योर हो रहे हैं, जब तक हम
अपना फूड फार्म बनाने के लिए मटेरियल तो जमा ही कर ली लिया है मैंने। मैं बोल रहा हूँ क्या ना, हम स्टोन ब्रिक से बनाए तो, और एक बात तो बताई नहीं मैंने, ये जो है ना पूरा रूम मैंने विलेजर्स के लिए बनाया, मतलब कि ये मेरा वो है चेस्ट एरिया और विलेजर्स के लिए भी एरिया। वो बंदे दो बंदे नौकरी चाह दूँ इनको, तो ये अच्छी सी लाता हूँ धूम से ऊपर से। मैं बोल रहा हूँ स्टेट बेचने का रखते हैं फ्लेचर के लिए, तो वो चाहिए फ्लिंट, फ्लिंट है देखता हूँ मैं जरा। वुड तो बहुत है, फ्लिंट पता नहीं हो या नहीं। वो है चार फ्लिंट, वाओ चार फ्लिंट से तो बहुत चीज़ बन पाई है। अब जरा वुड निकाल लेते हैं, चार फ्लेचर बनाएंगे, मतलब है तो दो ही विलेजर, ब्रीड करवाते करवाते कर लेंगे। अभी तो अपने खेत की थोड़ी बहुत गाजर दे देंगे इनको, और ब्रेड तो बहुत पड़ी है। अब तो ब्रेड मैंने छोड़ दी है खाना, क्योंकि हेल्थ इतनी बढ़ाती नहीं है। ब्रेड उठा लेते हैं अभी ब्रेड। ओ हाँ बेड भी बनाने मुझे इनके लिए विलेजर्स के लिए, अब भी बनाता हूँ। ये बीट उठा लेते हैं, वैसे भी दाए तो चाहिए था इनकी। व्यूल उठा लेते सारा, मतलब ये भी उठा लेते तीन, उठ जा। मैंने तो ब्रेड एक स्टैक सारी रखी थी, पता नहीं था, चलिए इसमें दे दूँ जा, इसमें भी नहीं है इसमें, हाँ ये रही। उठ जा, पहले वुड ले जाता थोड़ी, 34 हाँ इतनी सही जाएगी। ज़्यादा बेड बनवाए तो उतनी ज़्यादा वो आएंगे विलेजर। बना लेते हैं जाना, अभी जितने इन्वेंटरी में आ रहे उतने बना लेते हैं, फिर नीचे तो ले जाते फेंक ही देंगे। इन्वेंटरी में भी आ चुके हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। नल्ले ना बन जाए वो सारे ले जाओ, यहाँ पे फेंकते हैं। अच्छा बनो, अबे ये कहाँ से फ्लेचर बन, ये बन रहे फ्लेचर बनना तुम्हें, बेड लगा देते हैं। अच्छा हेलमेट ड्रॉप कर, ओ बन जाए चलो। अच्छा, वो देना होता है हमें वर्क बेड टाइप, जिससे चाहिए सो पाए तभी लेते हैं। हाँ ये दे तो, ये भी बन जाए। धीरे धीरे लगा दे, तू भी सो जा भाई। थोड़ी सी ब्रेड दे देता तो इन लोगों, नहीं बाद में दूंगा, हाँ जाते वक्त दूंगा, अभी पहले बेड लगा देता हूँ। कम से कम थोड़े बहुत तो लगा ही देता हूँ बेड। अब एक ऐसे से खत्म हो जाए बैठे, क्राफ्टिंग टेबल बना लेनी चाहिए यहाँ पे के लिए, बनाई नहीं मैंने, एक बना ही देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, फिर यहाँ से ही बना के देता था उनका इनको।
बन जा। मारना एक भी नहीं है हाथ, वरना वो हो जाते हैं, पैसे बढ़ाने लग जाते हैं ये लोग। अभी बेच रहे इनसे सस्ता माल, लूटूंगा अभी इनसे लोगों से। उठा उठाते हैं। अबे नहीं सोना, जल्दी जल्दी लग जाए, फिर इनके लिए वो भी बनाना है, फीड इन सिस्टम। और बेड बनाने, मतलब कि ये पूरा भर जाए इनसे, जितना भी एरिया है उस बेड से ही भर जाए। ऊपर बेड लगा दो, फिर हमारे वूल खत्म हो जाएंगे। अब ब्रेड दे देते हैं, आधी आधी देंगे। तो भी उठा लिया, अब हम चले आते हैं। अब हम अपने बेड पे सोएंगे मस्त लेट के। और मटेरियल मैंने पहले से जमा कर लिया, मतलब कि हम स्टोन ब्रिज से बनाएंगे। मैंने स्टोन बहुत तोड़ा, मतलब कि दिखाता हूँ आपको मशीन अपनी, मतलब हाथ से ही तोड़ना पड़ता है, लेकिन मशीन टाइप बोल सकते हैं। यहाँ से बस आप तो यहाँ पे क्लिक करना है ऐसे बस होता जाए। और मैंने नीचे फैंस डेट इसी वजह से लगाए, जिससे कि वो छेद में ना नीचे चले जाए, क्योंकि लावा में जैसे ये हो जाते हैं इस डिस्पॉन। और यहाँ से सेलेक्ट कर लो, या फिर सॉपर में डाल दो ऐसा। तो जल्दी से ये बनाते हैं। ऐसे मैंने चलते चलते बहुत सारा स्टोन जमा करा, फिर वो टॉबल स्टोन, फिर टॉबल स्टोन जमा करने के बाद ओ दो बच्चे भी आ गए। अब जल्दी जल्दी स्टोन उठा लेते हैं सारे। एक तो पता नहीं मैंने ये सब तोड़ा कब आया, क्यों रहता है वो यहाँ पे फेंकते हैं। बोतल बोतल गन पाउडर पोट वीट और फेंक देते हैं। और ये भी बोट भी है, तो दो दो बोट आप से चल दी मेरे पास। और ये जल्दी जल्दी इसका स्टोन ब्रिज बना लेते हैं। और ब्रेड भी, विलेजर्स तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मतलब कि बहुत लूटेंगे आज तो इनसे, इतना लूटेंगे मतलब कि बोलेंगे क्या भाई मुझे छोड़ दो, अब मैं गरीब हो चुका हूँ। वैसे इसका मैंने स्टोन ब्रिज क्यों बना लिया, बेन तो डरता ही है काम, मैंने सोचा ही नहीं पहले, इतना सब तो उड़ लिया फालतू में टाइम वेस्ट कर अपना। ब्रेड बना लेते, ब्रेड यही ब्रेड फेंक देंगे। मेरी क्राफ्टिंग टेबल से पास ये क्या चल रहा है, नल्ला ले जा, नहीं नल्ला तो नहीं है, ये ले ब्रेड खा ले भाई। ऊपर तो ये जा नहीं सकते शायद, सीढ़ी से चढ़ के, तो उसका तो कोई टेंशन फेंशन नहीं है। और थोड़ा मॉप को मार के एक्सपी बढ़ा लेते हैं। ये मॉप को मार मार के एक्सपी मैंने 51 कर ली अपनी, मतलब ये फार्म तो नेक्स्ट लेवल चलता है। अच्छा दो तीन हो भी बना लेते हैं,
ये थी डर्ट मेरी, मतलब कि वन ब्लॉक में तो बड़ी कम डर्ट मिलते हैं। ये भी दो आ रही है, और इससे थोड़ी स्लैब बना लेते हैं। थोड़ी क्या, हाँ थोड़ी बहुत तो बनानी पड़ेगी, दो तीन स्टैक, चार स्टैक बना लेते हैं स्लैब। अब चलते हैं पांच हिसाब से बनाऊं, सारे फार्म इधर से ही बनाए मैंने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा दूर भी ना लेते जाए, हम यहाँ की तरफ भी बना लेते हैं। सेट भी स्पॉन होने लगते हैं, विलेज टाइप्स बन जाए नहीं, तो इस वजह से अब ये बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही थोड़ा दो ब्लॉक करने के बाद, 10 ब्लॉक दूर चलते हैं बस। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4, 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पी तब में कितना चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 चलते हैं बस। तो गाइस मैंने यहाँ पे सामान इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया, जिससे कि इन्वेंट्री मेरी भरे ना, बहुत भर गई थी मेरी इन्वेंट्री, और स्नीक करते ही चलते हैं, क्योंकि वन ब्लॉक में एक बार मरे तो आपका सारा वर्ल्ड सारा सामान गया। यहाँ पे हम 22 चले गए थे, अब यहाँ पे 22 चलते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 आ जा। अब यहाँ पे 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 चलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, मतलब कि ये चौड़ाई में लंबा होगा, लंबाई में छोटा, मतलब 23 भी ज़्यादा होता है बहुत, लेकिन इतना बड़ा बनाएंगे कि आराम से बहुत ज़्यादा विलेजर्स हो पाए, और हमारा भी हो जाएगा, एनिमल भी पल जाएंगे थोड़े, वैसे भी बोल तो इनसे तैसा मालिक है, खाने भी देने नहीं आता, कम से कम बहुत महीनों पे 2-3 महीनों पहले मैंने दिया हुआ था लास्ट इन भैंसों तो खाना। फिर तो सभी दिया ही नहीं मैंने खाना, पता नहीं चल कितना हो जाए, आने वाला बस 1 2 हो गया शायद, जाते देखते हैं। एक तो फास्ट ब्रिजिंग भी नहीं कर सकते वन ब्लॉक में, ना एक भी नजर चुकी और आप सीधे वॉइड में, आज थोड़ा पीछे आते हैं, चल चल जल्दी। तो मैं ऐसी लगा से सब मिलता हूँ अभी आप, तो बस 2 मिनट में, 2 भी नहीं 1 मिनट में मिलता हूँ बस।
और ये स्लैब भी ख़त्म ही होने वाले, तो जाप भी बड़ा बना लिया। तो मिलता हूँ अभी बस 2 मिनट में। तो गाइस मैंने ये छोटा सा फार्म लैंड्स बना दिया। अब यहाँ पे एक और बनाता हूँ ऐसे ही, और फिर वहाँ पे भी दो ऐसी बनाता हूँ, फिर आप तो थोड़ा से फसल उगाते दिखाता हूँ कैसा लग जाए। और ये आयरन फार्म टाइप सी चल चुका ही है, क्योंकि आयरन फार्म भी आयरन जोलम भी स्पॉन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ इस सेटअप लगाई लूँगा तो मारा जाऊँगा, लेकिन हम तो लेंगे। एरो से बुलाता हूँ, अब मारता हूँ ये टेबल शॉट से देता हूँ, मर गया भैया। फ्री का आयरन मिल गया, 4 आयरन दिए। ओके तो ये तो आयरन पंप टाइप से चलने लगते हैं। एक और मारते हैं, पता चल नहीं है कब का है। बहुत हो गए, 9, 5 मिला। वाह फार्म तो बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ से करना है ये एक ब्लॉक छोड़ देना है, और एक तो पता नहीं कब तक स्टोन से टूल चलाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4 देखता तो देने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 बाई 10 है। तो अभी मैं बना से पूरा ये सब मिलता हूँ अभी आप तो बस 2 मिनट में। तो गाइस मैंने कम से कम 2 और 2 वहाँ पे फार्म बना दिए, और बीच में एक और बना दो वो मैं ऑफलाइन में बना लूँगा। तो अभी इसमें थोड़ी सी बहुत खेती बनाते हैं। पहले तो बारिश एकदम थंडर स्टॉर्म चल रही थी, अब नॉर्मल रेन हुई है। जल्दी से पहले सो जाते हैं। तो गाइस मैंने ये यहाँ की तरफ से ये बना दिया था पूरा खेत अपना, और इसमें सीड्स भी उड़ा दिए थे ये सब। इसमें और अच्छा सा तो काम चल ही जाए, और मेलन सीड भी लगा दिए थे मैंने यहाँ पे। तो जल्दी अगर आप तो इस गेम प्ले वीडियो का तो भी पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।